मिस्टर आर्या सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। सर, सबसे पहले तो हम आपके मंथली सेल्स के आंकड़े देख रहे थे और पिछले चार महीने के नंबर्स देखें तो कंसिस्टेंट ग्रोथ है, कहीं भी डिप डाउन नहीं है। पहले तो सर बताइए कि इसके पीछे क्या वजह रही है, एंड ऑफकोर्स हम सब ये भी जानना चाहेंगे कि आगे फेस्टिव को लेकर किस प्रकार का आउटलुक है फेस्टिव सीजन का। जी, सबसे पहले अगर कंपनी के जो कंसिस्टेंट नंबर है उसके बारे में देखें तो हमको ऐसा लग रहा है कि हम इससे भी ज्यादा कुछ अच्छा कर सकते हैं आगे जाके। बट कंसीडरिंग द करंट सिचुएशन ऑटोमोबाइल सेगमेंट में थ्री व्हीलर हैड ए वर्स्ट पीक, तो यहाँ से जो हमारी कंप्लीट प्रोडक्ट रेंज है और हमारे पास जो नेटवर्क है उसको लेके हम काफी आशावादी है और हमको ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ से आगे कुछ अच्छे नंबर कर पाएंगे। जहां तक थ्री व्हीलर सेल्स का सवाल है, रिटेल फाइनेंस काफी इम्पोर्टेंट होता है। पिछले दो साल में जो डिसरप्शन हुआ है वो लेके थोड़ा सेल्स में ओवरऑल इंडस्ट्री वॉल्यूम इन डोमेस्टिक मार्केट वॉज नॉट अप टू द मार्क। वो हमको ऐसा लग रहा है कि अभी फेस्टिवल सीजन में ये थोड़ा अपने को स्पार्क देखने को मिलेगा। कंसिस्टेंसी, फर्दर कंसिस्टेंसी और कंसोलिडेशन आएगा FY24 ऑनवर्ड्स। अच्छा सर, क्योंकि आप अलग अलग सेगमेंट्स, डीजल, पेट्रोल, LPG, इलेक्ट्रिक, हर सेगमेंट के थ्री व्हीलर्स पर फोकस करते हैं, क्या कोई ऐसा सेगमेंट है जो बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिखेगा या ये फेस्टिव सीजन में कुछ अलग से डिमांड निकल कर आएगी, ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन है? देखिए, जहां तक अतुल ऑटो का सवाल है, मेरे पास जैसे आपने पहले ही बता दिया कि हमारे पास सारे फ्यूल चॉइसेस अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बात करें एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन में मेरे पास पैसेंजर और कार्गो और दोनों सेगमेंट में, दैट इज 0.5 टन एंड 0.35 टन, ये दोनों प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो जो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है उसके अलावा हमारे पास कस्टमाइज एप्लीकेशन का बहुत बड़ा फ्लिट है। तो ये देखते हुए हर सेगमेंट का जो रिक्वायरमेंट होगा वो हम फुलफिल कर पाएंगे। हालांकि अगर अभी जो मार्केट का ट्रेंड देखने को मिल रहा है उसमें जो अल्टरनेटिव फ्यूल और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की बात है, तो अल्टरनेटिव फ्यूल में हमने अपना पूरा प्रोडक्ट रेंज डेवलप कर लिया है। साथ साथ में अगर इलेक्ट्रिक की बात की जाए तो उसमें हमारे पास दोनों कैटेगरी, दैट इज LC और L5, दोनों कैटेगरी के व्हीकल्स अभी अवेलेबल है और जो कन्वेंशनल व्हीकल को कॉम्पीट कर सके ऐसा L5 कैटेगरी व्हीकल पावर्ड बाय लिथियम आयन बैटरी, वो अगले कुछ महीनों में हम लॉन्च करने के लिए भी जा रहे हैं। अभी हमारा ट्रायल और टेस्टिंग चल रहा है, बट ये काफी जल्द हम आपको बताएंगे कि कब लॉन्च कर रहे हैं। हम उस पर तो आपसे और डिटेल आगे लेंगे, लेकिन चलिए थोड़ा मार्जिन आउटलुक्स पर बात कर लेते हैं। आपने कहा कि गोइंग फॉरवर्ड आप कुछ अच्छे नंबर्स के एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, तो ये जो बाकी बचा वित्त वर्ष है 2023 का, ये आपको मार्जिन आउटलुक के फ्रंट पे किस प्रकार का लग रहा है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस में हमने बहुत उथल पुथल देखी। छः महीने पहले तक कमोडिटी प्राइसेस पीक कर गई थी, उसके बाद ज़रूर ठंडी पड़ी है, तो हम जानना चाह रहे थे कि उस हिसाब से जो बाकी रिमेनिंग FY23 है वो कैसा दिख रहा है मार्जिन आउटलुक पे? देखिए, मार्जिन पे थोड़ा प्रेशर तो बना रहेगा। जैसे आपने कंफर्म किया है, साल की शुरुआत में, फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में भी काफी उथल पुथल रही है, मार्केट में वोलेटिलिटी भी काफी रही है। अब धीरे धीरे ये सारी कुछ चीजें स्टेबल हो रही है। कंपनी स्पेसिफिक अगर बात करें अतुल ऑटो की, तो जैसे हमारा ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन खत्म हुआ तो दोनों प्लांट को लेके हमारा जो कैपेसिटी है वो दोनों समझते हुए, और मार्केट जिस तरह से धीरे धीरे वॉल्यूम को ग्रेजुअली रैंप अप हो रहा है मार्केट में, वो देखते हुए ये साल जो है उसके बारे में थोड़ा प्रेडिक्शन मुश्किल है। हालांकि मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म आई एम कॉन्फिडेंट कि हम वापिस जो स्तर पे मार्जिन डिलीवर कर रहे थे वो जरूर वापिस आएंगे। सर, FIs के हिसाब से जनरली क्या रेंज मार्जिन आउटलुक आपका रहता है सर, यू नो व्हेन इन अ नॉर्मल सिनेरियो? देखिए नेहा जी, ये पिछले दो साल में पूरा जो मार्केट का कंपोजिशन है वो काफी बदल गया है। हाँ जी, थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल बताया कि हम FY 2019-20 तक वी वेर मेजोरिटी इन टू डीजल, पोस्ट दैट वी लॉन्च प्रोडक्ट इन अल्टरनेटिव फ्यूल सेगमेंट एज वेल, और अभी
जो डोमेस्टिक मार्केट कंपोजिशन है, एक जमाने में पहले 50% डीजल 50% अल्टरनेट फ्यूल हुआ करता था, आज ये कंपोजिशन काफी बदला हुआ है। तो ये साल में मार्जिन पे जेन्युइनली हमारा फोकस तो रहेगा जरूर, मगर उसके बारे में हम कम सोचते हैं, उससे ज्यादा जो मार्केट हमको गेन करना है उस पे हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। ओके सर, थोड़ा प्रोडक्ट लॉन्चेस पे बात करते हैं। ऑफ कोर्स आपने तो ये ऑलरेडी मेंशन किया ही है कि तीन इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट लॉन्चेस आप करने वाले हैं, लेकिन ये जो मौजूदा पाइपलाइन है सर, उसके बारे में मैं जानना चाह रही थी। और क्या जो नए लॉन्चेस की आपने बात की, ये करंट फेस्टिव सीजन में होगा या अभी आगे बाद में देखने को मिलेगा? नहीं, अब उसको थोड़ा आगे लेके जाएंगे। अच्छा जो टेक्सटाइल चल रहा है, मैंने जैसे बोला हमारा इलेक्ट्रिक अल्फा कैटेगरी पावर्ड बाय लिथियम आयन बैटरी, द व्हीकल इज ऑलमोस्ट रेडी, इट इज अंडर टेस्ट एंड ट्रायल। तो जैसे ही हमारा टेस्ट और एंड्योरेंस खत्म होता है, वी विल अनाउंस द डेट ऑफ लॉन्च। ये अभी करंट है। इलेक्ट्रिक में हम दोनों सॉल्यूशन को साथ में लेके आएंगे। एक है फिक्स बैटरी वाला, जहाँ पर हमारा खुद का बैटरी लगेगा। इसके अलावा रिसेंटली आवर सब्सिडियरी हैज टाइड अप विद होंडा, कि जहाँ पर हम स्वेपेबल बैटरी सॉल्यूशन में भी हमारा व्हीकल प्लेटफॉर्म यूज करेंगे। तो आगे जाके ये दो लॉन्चेस जो होंगे वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे हमारे। आपने खुद ही मेंशन किया कि अभी मौजूदा डिमांड सिनेरियो काफ़ी बेहतर लग रहा है पिछले 2 साल के मुकाबले। तो सर, इसके मद्देनज़र इस वित्त वर्ष में पूंजी जुटाने की कोई योजना है? आर यू प्लानिंग टू रेज कैपिटल, वर्किंग कैपिटल? देखिए, अभी वर्किंग कैपिटल का जहां तक सवाल है, वी आर सफिशिएंटली प्लेस्ड। जैसे जैसे ओवरऑल वॉल्यूम ऊपर जाएगा, ऑब्वियसली उसके हिसाब से अरेंजमेंट की जाएगी। देर आर इनफ रूम अवेलेबल फॉर कंपनी, काफी लो लेवल पे डेट है, तो वहां पर भी काफी हमारे पास लेवरेज पॉसिबल है। आगे देखेंगे जिस तरह से जरूरत होगी कंपनी के लिए, उस तरह से वर्किंग कैपिटल या लॉन्ग टर्म कैपिटल वो इसका अरेंजमेंट किया जाएगा। तो जैसे मार्केट वॉल्यूम अप होता है, उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे। आखिरी सवाल, हम देख रहे हैं कि डिमांड तो बहुत बेहतरीन तरीके से खुलकर आ रही है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर सेगमेंट है, इसमें कंपटीशन भी ज़बरदस्त है। तो सर, इस कंपटीशन को जो मल्टीपल कॉम्पिटिटर्स से निकल कर आ रहा है, इसे कैसे हैंडल करने की योजना है? देखिए नेहा जी, ऐसा है कि कभी भी कोई भी नया जब प्रोडक्ट इवोल्व होता है, तो इनिशियली ऑब्वियसली देर आर नंबर ऑफ प्लेयर्स, और जैसे जैसे मार्केट स्टेबल होता जाएगा, जैसे जैसे कॉन्फिगरेशन एक बार फिक्स हो जाएगा, उसके हिसाब से जो प्लेयर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है, जिसके पास पूरा सप्लाई चेन, जिसके पास मार्केट का नॉलेज, और पर्टिकुलरली थ्री व्हीलर की बात करें तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन दोनों की काफी जरूरत होती है। तो इतने सारे कॉम्पिटिटर में से देर विल बी फ्यू ऑफ देम हु विल सर्वाइव ऑब्वियसली, एंड डेफिनेटली बाकी के जो है, जो मार्केट वोलेटिलिटी के सामने टिक नहीं पाएंगे, दे विल ऑब्वियसली मूव आउट ऑफ द मार्केट इन सम टाइम। अतुल का जहां तक सवाल है, अभी तक हमने जितने भी प्रोडक्ट डिलीवर किए हुए हैं, हमारे जितने भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, वो जी काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। पर्टिकुलरली अगर आप देखें, हमारे सारे कार्गो और पैसेंजर व्हीकल का जो रेंज है, जी दैट इज मीटिंग विद कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन, और उसका जो खास करके नई पीढ़ी का जो एस्पिरेशंस होता है पर्टिकुलरली इस सेगमेंट में, जी वो हम काफी हद तक फुलफिल कर पाए हैं। और आई एम कॉन्फिडेंट कि जैसे आगे बढ़ेंगे, तब ये सारी कॉम्पिटिशन को भी हम बीट कर पाए। डेफिनेटली सर, एक्सपीरियंस काउंट्स और आपका कॉन्फिडेंस है वो जाहिर तौर पर काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है। सो ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग फेस्टिव सीजन सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।